गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा।
Good morning, ma'am. Good morning, all of you. कौन कौन आ गया? अनीता जहांगीर, लता वर्मा, पिंकी चौधरी, सुनीता चौधरी. बेटे दो पिंकी चौधरी हैं क्या? दो पिंकी चौधरी हैं? एक पिंकी चौधरी दिख रही है, दो हैं क्या पिंकी? यस मैम. ठीक है बेटा, पिंकी चौधरी दो. ठीक है बेटा, आज अपन दूसरा टॉपिक कर रहे हैं. रिक्शा तो कर लिया, मार्केशिया. मार्केशिया में करेंगे अपन. मार्केशिया का सिस्टमेटिक पोजीशन कौन सी है, ये भी एक ब्रायोफाइट है. तो इसकी वर्गीकृत स्थिति क्या है, किसकी? मार्केशिया की. मैम. हाँ बेटा बोलो. इसमें पीडीए का अंतरण नहीं है क्या? किसमें? रिक्शिया में. हाँ बेटा, मेन करा रही हूँ अभी. पीडीए का अंतरण है, वो थोड़ा सा ही है तो मैं करा दूंगी. लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन पे पूछते हैं, है ना. ज्यादातर जो पूछते हैं क्वेश्चन जो आपका आता है, जनन पे आता है या स्पोरोगोनियम पे आता है. तो पीडीए का अंतरण बहुत थोड़ा सा है, तो मैं इसके बाद मार्केशिया के बाद कुछ टाइम बचता है तो मैं आपका पीडीए का अंतरण भी करा देती हूँ. वैसे इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो अपन कर लेंगे. ठीक है बेटा, मार्केशिया. अब अपन मार्केशिया की बात करते हैं. सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ मार्केशिया, वर्गीकृत स्थिति क्या है सिस्टमेटिक पोजीशन. तो प्रभाग डिवीजन कौन से में आता है? ब्रायोफाइटा. मार्केशिया क्या है? ब्रायोफाइटा है. वर्ग क्लास, क्लास कौन सी है? पेल्टिकॉप्स. और ऑर्डर किस गढ़ में मार्केशिया को रखा गया है? तो ऑर्डर है मार्केशियल्स. एंड कुल कौन सी है? फैमिली है मार्केशियेसी. और जीनस है मार्केशिया. अपन कौन से वंश की बात कर रहे हैं? जीनस है मार्केशिया. अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ मार्केशिया. मार्केशिया का वितरण एवं आवास. तो मार्केशिया विश्वव्यापी वंश है जिसकी लगभग 65 जातियां हैं. ये नम व ठंडे छायादार स्थलों पर उगता है. मतलब मार्केशिया इज ए कॉस्मोपॉलिटन जीनस एंड अबाउट 65 स्पीसीज ऑफ मार्केशिया आर नोन. एंड दिस मार्केशिया ग्रोज इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस. यह मार्केशिया मतलब मार्केशिया नदी तटों, नम मृदा, नम चट्टानों, दलदल, तंग घाटियों तथा अन्य जल स्रोतों के निकट बहुतायत से मिलता है. एक मिनट, में मार्केशिया का इंग्लिश में भी आपको बता दूंगी. मतलब मार्केशिया मैं
हाँ बेटा अभी बीच में मत बोलो, चलो अभी तो पूछ लो, फिर पहले समझाने दिया करो फिर बोलना। हाँ अभी तो पूछो बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो मार्केशिया के बारे में? हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम वो एक लड़की वेटिंग में चल रही है, उसको ले लो। एक अच्छा वेटिंग में चल रही है एक, अच्छा कोई पूछना है अभी ले लेते हैं बेटा, अभी तो कहीं दिखाई नहीं दी। कौन सी लड़की है बेटा, उसका नाम ही नहीं आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। मोनिका चौधरी। मोनिका चौधरी का नाम नहीं आ रहा बेटा, उसकी लगा देते हैं, प्रेजेंट लगा देते हैं आपने कही है तो स्क्रीन पे। हाँ बेटा लगा, आरती चौधरी भी है, आरती की भी लगा देते हैं बेटा प्रेजेंट, और मोनिका की भी लगा देते हैं। अभी स्क्रीन पे नहीं, मोनिका चौधरी दिखाई दे रही है, आरती चौधरी और मोनिका चौधरी की दोनों की लगा दी बेटा, ठीक है। अगर मार्केशिया की बात कर रहे हैं तो जीनस मार्केशिया हैज अबाउट 65 स्पीसीज एंड इट इज फाउंड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द स्पीसीज ऑफ मार्केशिया ग्रो बेस्ट इन कूल मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, ठीक है। तो मार्केशिया नदी तटों, नम मृदा, नम चट्टानों, दलदल, तंग घाटियों तथा अन्य जल स्रोतों के निकट मिलता है। समूह में उगने के कारण अधोस्तर पर हरित खंडों के रूप में दिखाई देता है। तो इन इंडिया अबाउट 11 स्पीसीज ऑफ मार्केशिया आर फाउंड। मार्केशिया की भारत में भारतवर्ष में करीब 11 प्रजातियां मिलती हैं, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, कुछ एल्गोलॉजिस्ट कहते हैं कि भारतवर्ष में मार्केशिया की लगभग 1 दर्जन जातियां पाई जाती हैं, और इनमें से अधिकांश जातियां हिमालय क्षेत्र व दक्षिण भारत की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी स्पीसीज है मार्केशिया की, ये याद रखना बेटा। मार्केशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केशिया पाल्मेटा, मार्केशिया पाल्मेटा, मार्केशिया नेपालेंसिस, मार्केशिया सिमलाना व मार्केशिया इंडिका प्रमुख भारतीय जातियां हैं। तो मार्केशिया पाल्मेटा कम ऊंचाई वाले स्थानों तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में पाया जाता है। मतलब आप क्या करोगे, मार्केशिया पॉलीमॉर्फा इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज। मार्केशिया पॉलीमॉर्फा अकर्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2,500 to 5,000 meters ऑन मॉइस्ट रिवर बैंक्स एंड रॉक्स। तो याद क्या करोगे, मार्केशिया की कौन कौन सी जातियां हैं, मार्केशिया पॉलीमॉर्फा है, मार्केशिया पाल्मेटा है। तो मार्केशिया पाल्मेटा अकर्स इन कश्मीर, कुमायूं, साउथ इंडिया। मार्केशिया पाल्मेटा कहाँ मिलती है, कश्मीर में मिलती है, कुमायूं में मिलती है, साउथ इंडिया में पाई जाती है, बंगाल व आसाम में भी पाई जाती है। इसी प्रकार बेटा मार्केशिया नेपालेंसिस कश्मीर, पंजाब के मैदानी भागों, गढ़वाल, कुमायूं में मिलता है। मार्केशिया नेपालेंसिस कश्मीर, पंजाब के मैदानी भागों, गढ़वाल, कुमायूं में मिलता है, ठीक है। तो मार्केशिया पॉलीमॉर्फा सर्वाधिक व्यापक रूप से वितरित जाती है, जो 8,000 से 15,000 feet की ऊंचाई तक चट्टानों व नदियों के किनारे की नम भूमि पर पाई जाती है। अब बात करते हैं गेमेटोफिटिक स्ट्रेस इन मार्केशिया या गेमेटोफिटिक फेज इन मार्केशिया, गेमेटोफिटिक प्रवस्था। तो द गेमेटोफाइट ऑफ मार्केशिया इज प्रोस्ट्रेट डॉर्सी वेंट्रल। गेमेटोफाइट ऑफ मार्केशिया इज प्रोस्ट्रेट डॉर्सी वेंट्रल and dichotomously branched. A distinct midrib is present in each branch of the thallus, which is marked on the dorsal surface by a shallow groove. एक स्लाइड में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, है ना, एक स्लाइड दिखाते हैं आपको पहले।
हाँ बेटा, ये दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ यस मैम, ये ना, ये देखो बेटा, अब मैं इसका क्या बता रही हूँ आपको, मार्केंशिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक मिनट, यू आर स्क्रीन शेयरिंग। एक बार, 9 पीपल और आए हैं, एक बार मैं वापस से इसको करती हूँ, एक मिनट रुको आप, स्टॉप शेयर करके मैं पहले एक बार इनको ऐड कर देती हूँ, कौन कौन आए, तुम सब आ गए, ठीक है। अब है, वापस से मैं शेयर कर रही हूँ आपको, देखो बेटा, ये वाला है, 9 पीपल हैव एंटर, पूजा कुमावत, रितिका, साक्षी, ये तो सब आ गए ना। हाँ बेटा, ये देख रहा, अब किसकी बात चल रही है, बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये ए डायग्राम में क्या दिखाया है, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया। तो और बी डायग्राम क्या दिखाता है, डॉर्सल सरफेस ऑफ मार्केंशिया। बी डायग्राम में क्या दिख रहा है, डॉर्सल सरफेस ऑफ मार्केंशिया। तो पहले बात करते हैं मार्केंशिया, थैलस, शयान, चपटा, पृष्ठाधरी, मतलब डॉर्सी वेंट्रल तथा द्विभाजी शाखित होता है। ये देख रहे हो, मार्केंशिया थैलस कैसा है, द्विभाजी शाखित है, मतलब डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, और इसमें डॉर्सल सरफेस भी है, वे वेंट्रल सरफेस भी है, तो ये पृष्ठाधरी है। मार्केंशिया का थैलस क्या है, डॉर्सी वेंट्रल है, और थैलस कैसा है, शयान है। अब इसका थैलस, मार्केंशिया का थैलस रिक्सिया की तुलना में बड़ा होता है। हाँ बेटा बोलो। शयान का मतलब लेटा हुआ होता है, लेटा हुआ, क्रीपिंग, बिल्कुल सही है बेटा। शयान का मतलब है प्रोस्टेट, लेटा हुआ, बिल्कुल सही है। शयान का मतलब है, पर आप यहाँ पे शयान ही लिखोगे, लेटा हुआ मत लिखना, समझने के लिए लेटा हुआ सही है बेटा, समझने के लिए सही है, ठीक है। मार्केंशिया थैलस शयान चपटा डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, और मार्केंशिया का थैलस रिक्सिया की तुलना में बड़ा होता है, वह चमकीले हरे रंग का होता है। कैसा होता है, चमकीले हरे रंग का होता है। अब थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक खाँच होती है, क्या है, आप देख रहे हो, एक खाँच है, ये दिख रही है, एपिकल नॉच। ये देखो बी डायग्राम में, थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक खाँच होती है, जिसे शीर्ष खाँच कहते हैं, ये देख रहे हो ना, जिसे एपिकल नॉच कहते हैं, ये लिखा हुआ, शीर्ष खाँच कहते हैं, एपिकल नॉच कहते हैं, जिसमें वृद्धि बिंदु स्थित होता है, जिसमें वृद्धि बिंदु स्थित होता है, ठीक है। शाखा के, अब शाखा के मध्य भाग में एक स्पष्ट मध्यशिरा होती है। देखो ये जो आपको दिख रही है लाइंस, ये है मध्यशिरा। शाखा के मध्य भाग में स्पष्ट मिडरिप मध्यशिरा होती है, मतलब क्या बताया था, ए डिस्टिंक्ट मिडरिप, ये देख रहे हो बी डायग्राम में, ए डिस्टिंक्ट मिडरिप इज प्रेजेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द थैलस। ए डिस्टिंक्ट मिडरिप इज प्रेजेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द थैलस। तो शाखा के मध्य भाग में स्पष्ट मध्यशिरा होती है, और संपूर्ण अपाक्ष सतह पर सुस्पष्ट बहुकोण, सुस्पष्ट पॉलीगोनल एरियाज दिखाई देते हैं, सुस्पष्ट पॉलीगोनल एरियाज दिखाई देते हैं। हाँ बोलो बेटा। क्या बेटा, क्या वापिस बोलो। क्या बेटा, पूछो पूछो वापिस पूछो बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो मैम? कौन कौन बेटा, कोई और बोल दो, कौन कौन सुन पा रहा है? मैम गर्ल्स वेटिंग में है। गर्ल्स वेटिंग में है बेटा, यहाँ पे तो दिख नहीं रही कोई भी गर्ल्स, कौन कौन सी गर्ल्स वेटिंग में है बेटा? अभी ये तो स्टॉप शेयर करती हूँ मैं, एक बार देखो, एक बार रुको, गर्ल्स वेटिंग में। हाँ सुनीता चौधरी तो आ गई, रितिका,
रिशिता कलाल, ठीक है, मनीषा कुमारी, प्रतिभा शर्मा, तस्लीम बानो, अंजलि जलवानिया, रुचि कुमारी बीना, निकिता अंजना, आरती चौधरी, सुनीता चौधरी। अब आ गई बेटा, ठीक है, वेटिंग में मैंने ऐड कर दिया बेटा, ज्वाइन हो जाएगी गर्ल्स धीरे धीरे। आपने सही बताया, रुचि कुमारी बीना आ गई, आरती चौधरी भी आ गई अब, ठीक है बेटा। गर्ल्स वेटिंग में है सुनीता चौधरी, ज्वाइन कर लेना आप गर्ल्स से, ठीक है बेटा। मैम। हाँ बेटा बोलो। पॉलीगोनल एरिया क्या होता है? पॉलीगोनल एरिया बेटा, आप बोलते हो ना बहुकोणीय क्षेत्र, जानते हो बहुकोणीय क्षेत्र, हिंदी है बहुकोणीय क्षेत्र, जिसके बहुत से एंगल्स होते हैं, बहुकोणीय क्षेत्र जिन्हें, ठीक है, यह है बहुकोणीय क्षेत्र थैलस की आंतरिक संरचना में विभेदित प्रकाश संश्लेषी प्रकोष्ठों को निरूपित करते हैं। तो आपका आंसर क्या है? मैंने बताया, आपने पूछा पॉलीगोनल एरियाज क्या होते हैं, तो बेटा मार्केशिया के थैलस में फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, और ये बहुकोणीय क्षेत्र पॉलीगोनल एरियाज मार्केशिया के थैलस की आंतरिक संरचना में प्रकाश संश्लेषी प्रकोष्ठों को दर्शाते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र के केंद्र में एक छोटा छिद्र होता है, प्रत्येक क्षेत्र के केंद्र में एक छोटा छिद्र होता है जो काले बिंदु के रूप में दिखाई देता है। अब देखना थैलस की डॉर्सल सरफेस पर, ये दिखाया है बी डायग्राम में, देखना जो दिख रहा है आपको थैलस की पृष्ठीय सतह पर मध्य शिरा क्षेत्र में, ये दिख रही है प्याले नुमा संरचनाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। ये आपको दिख रही होंगी प्याले नुमा संरचनाएं हैं, ये देखो थैलस की पृष्ठीय सतह पर, मतलब डॉर्सल सरफेस पर मध्य शिरा क्षेत्र में प्याले नुमा संरचनाएं, ये देखो प्याले नुमा संरचनाएं एक पंक्ति में विन्यासित होती हैं, जिन्हें जेमा कप्स कहते हैं, जिन्हें जेमा धानिया कहते हैं। मतलब ए क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस ऑफ मार्केशिया शोज मेनी पॉलीगोनल एरियाज विच डिमार्केट द आउटलाइन ऑफ अंडरलाइंग एयर चैम्बर्स। तो अब देखना बेटा बी डायग्राम में, द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस ऑफ मार्केशिया बियर्स जेमा कप्स, ये जो आपको दिख रहे हैं बी डायग्राम में, ये क्या है जेमा कप्स। तो द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस ऑफ मार्केशिया बियर्स जेमा कप्स अलोंग द मिडरिब, द जेमा कप्स आर क्रीसेंट शेप्ड structures with smooth spiny or fimbriate margins। तो आपको जेमा धानिया विशिष्ट संरचनाएं, जेमा धानियों में ये क्या दिख रहे हैं आपको जेमा कप। तो जेमा कप को क्या बोलेंगे बेटा, जेमा धानिया। तो जेमा धानियों में, जेमा कप्स में विशिष्ट संरचनाएं जेमा विकसित होते हैं जो कायिक जनन करते हैं। मतलब इन जेमा कप्स में क्या डेवलप होते हैं, जेमा विकसित होते हैं, एंड दीज जेमा हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जेमा कप्स में जेमा विकसित होते हैं जो कायिक जनन करते हैं, ठीक है। अब लैंगिक जनन के समय थैलस के अंतस्थ छोर पर विशिष्ट ऊर्ध्व जनन शाखाएं विकसित होती हैं, विशिष्ट ऊर्ध्व जनन शाखाएं विकसित होती हैं जिन्हें गेमेटोफोर कहते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय मार्केशिया थैलस के अंतस्थ छोर पर कुछ विशिष्ट ऊर्ध्व जनन शाखाएं विकसित होती हैं जो कि युग्मक धर कहलाती हैं, गेमेटोफोर कहलाती हैं। तो नर जननांगों या पुंधानियों को धारण करने वाली शाखाओं को पुंधानी धर कहते हैं।
पुंधानी धर कहते हैं, समझ से लाइक ये बात है बेटा पुंधानी धर। पहले बता रही हूँ, ईच ब्रांच ऑफ द थैलस ऑफ मार्केशिया ग्रोज इनडेफिनेटली बाय मींस ऑफ ए ग्रोइंग पॉइंट सिचुएटेड एट द एपेक्स ऑफ द थैलस इन ए ग्रुप कॉल्ड द एपिकल नॉच। ठीक है, कॉल्ड द एपिकल नॉच। अब मैंने क्या बताया आपको कि नर जननांगों या पुंधानियों को धारण करने वाली शाखाओं को एंथ्रेडियोफोर कहते हैं। मतलब व्हाट आर एंथ्रेडियोफोर, मतलब द ब्रांचेस विच बियर द मेल सेक्स ऑर्गन्स और एंथ्रेडिया आर कॉल्ड एज एंथ्रेडियोफोर। जबकि स्त्री जननांगों या स्त्री धानियों को धारण करने वाली शाखाएं आर्किगोनियोफोर कहलाती है। मतलब द गैमेटोफोर विच बियर द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और आर्किगोनिया आर कॉल्ड एज आर्किगोनियोफोर। वापिस बता रही हूँ, स्त्री जननांगों व स्त्री धानियों को धारण करने वाली शाखाएं स्त्री धानी धर कहलाती हैं, वे नर जननांगों या पुंधानियों को धारण करने वाली शाखाएं पुंधानी धर कहलाती हैं। अब देखना कौन सा डायग्राम दिखा रही हूँ, सी डायग्राम। इस डायग्राम में देखना, सी डायग्राम किसका है, वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस, थैलस की अभ्यक्ष सतह का डायग्राम है। तो इसमें देखना, थैलस की अभ्यक्ष सतह पर, थैलस के वेंट्रल सरफेस पर मूलाभास व शल्क उपस्थित होते हैं। तो ये देखो थैलस का ये क्या है, वेंट्रल सरफेस है। इसके वेंट्रल सरफेस पे क्या है, ये है मूलाभास व शल्क, स्केल्स उपस्थित होते हैं। मूलाभास दोनों प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक तो बेटा है चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास, ये देखना चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास का जी डायग्राम में देखना, मूलाभास दो प्रकार के होते हैं। मैंने क्या बताया, चिकनी भित्ति वाले मूलाभास जो कि जी डायग्राम में दिख रहे हैं, मतलब स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स, तथा गुलीकीय मूलाभास ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स जो कि आपको ये दिख रहे हैं एच डायग्राम में, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स। तो मूलाभास बेटा मार्केशिया में भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स जो आप देख रहे हो जी डायग्राम में, जी डायग्राम किसका है, चिकनी भित्ति वाले मूलाभास। वह एच डायग्राम में क्या देख रहे हो, गुलीकीय, गुलीकीय ट्यूबरक्यूलेटेड, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स। तो मैं बोल रही हूँ द वेंट्रल सरफेस, मार्केशिया के बारे में ही बात चल रहे हैं, तो द वेंट्रल सरफेस, ये देखो द सी डायग्राम में, द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस ऑफ मार्केशिया बियर्स राइजॉइड्स एंड स्केल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब एज यू सी इन द सी डायग्राम। अब देखना राइजॉइड्स कैसे हैं, द राइजॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैसे हैं, दो तरह के राइजॉइड्स हैं, मतलब स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स, स्मूथ वॉल्ड जो कि आपको जी डायग्राम में दिखाएं, एंड ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स हैविंग द पेग लाइक प्रोसेसेस एज यू सी इन द एच डायग्राम। तो राइजॉइड्स कैसे होते हैं, राइजॉइड्स आर कलरलेस एंड यूनिसेल्यूलर। ये जो मूलाभास है राइजॉइड्स है, रंगहीन होते हैं, वह एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। ठीक है, तो राइजॉइड्स के बारे में बात हो गई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजॉइड्स, द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स। मतलब ये जो ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स हैं, ये क्या करते हैं, दीज ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर। मतलब द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज कैरीड आउट और इज परफॉर्म्ड बाय ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स, एंड द थैलस इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम
बाय मींस ऑफ राइजोइड्स. तो राइजोइड्स कैसे बेटा? मूलाभास एक कोशिक, ये जो मूलाभास है एक कोशिक तथा अशाखित होते हैं और मूलाभास थैलस को अधो स्तर से संलग्न करने का कार्य करते हैं. तो मूलाभासों का कार्य क्या है, राइजोइड्स का फंक्शन क्या है, कि मूलाभास थैलस को अधो स्तर से संलग्न करने का कार्य करते हैं तथा ये मूलाभास, ये राइजोइड्स खनिज लवणों व जल का अवशोषण भी करते हैं. मूलाभास खनिज लवणों व जल के अवशोषण में भी सहायक होते हैं. अब देखो डी डायग्राम में आपको क्या दिखाया मैंने, ये है दो तरह के स्केल से डी और ई. तो एक तो है अपेंडिकुलेट स्केल्स, एक है ई है लिग्युलेट स्केल्स. तो कहने का मतलब है शल्क, शल्क का मतलब स्केल्स. शल्क एक कोशिक मोटाई की प्लेट सदस्य बहुकोशिक, ये देख रहे हो बहुकोशिक बैगनी रंग की संरचनाएं हैं. शल्क मध्य शिरा के दोनों ओर दो पंक्तियों में विन्यासित रहते हैं. जो स्केल्स है ये दिखाए डी और ई डायग्राम में. तो मार्केशिया पॉलीमॉर्फा में मध्य शिरा के दोनों ओर, मतलब मिड्रिप के दोनों ओर शल्कों की तीन से चार पंक्तियां होती हैं और शल्क दो प्रकार के होते हैं. ये देखो डी और ई डायग्राम में शल्क दो प्रकार के होते हैं, ये दिखाया है डी डायग्राम में. अपेंडिकुलेट स्केल्स उपांगिका युक्त शल्क, ये जो डी डायग्राम दिखा रहे हैं ये है अपेंडिकुलेट स्केल्स उपांगिका युक्त शल्क. और ये जो ई डायग्राम है सिंपल और लिग्युलेट स्केल, सरल अथवा जीभिकाकार शल्क. तो अपन बात करते हैं अपेंडिकुलेट स्केल उपांगिका युक्त शल्क. तो ये बड़े होते हैं, बृहत होते हैं, फनाकार होते हैं, जैसे आप देख रहे हो वेज शेप्ड होते हैं, वे उपांग युक्त होते हैं. ये ऊपर की ओर क्या निकल रही है, उपांग. उपांग को क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स. ये उपांग युक्त होते हैं तथा मध्य शिरा के दोनों ओर भीतरी पंक्ति में पाए जाते हैं. ये अपेंडिकुलेट स्केल्स मध्य शिरा के दोनों ओर पाए जाते हैं. अब ई डायग्राम में देखो ये है सरल अथवा जीभिकाकार शल्क. तो ये छोटे होते हैं, जो लिग्युलेट स्केल्स है ई डायग्राम में दिख रहे हैं छोटे होते हैं तथा उपांग रहित होते हैं. इनमें बेटा अपेंडिक्स नहीं पाई जाती, उपांग रहित होते हैं तथा मध्य शिरा के दोनों ओर बाहरी एक पंक्ति अथवा दो या तीन पंक्तियों में पाए जाते हैं. तो शल्कों का मूल कार्य क्या है, अब इन स्केल्स का फंक्शन क्या है, इनका स्केल्स का कार्य वृद्धि बिंदु को शुष्कन व क्षतिग्रस्त होने से बचाना है. तो अपन इंग्लिश में बताती हूँ आपको कि the scales are arranged in two rows on either side of the midrib in Merkantia and the scales are multicellular. कैसे हैं, बहुकोशिकी हैं. The scales are multicellular and one-celled in thickness and these scales are violet in color. स्केल्स का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है. स्केल्स ऑफ मार्केशिया आर वायलेट इन कलर. व्हाई, क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंथोसायनिन पिगमेंट्स इन देयर साइटोप्लाज्म. मतलब मार्केशिया के जो स्केल्स है बेटा वायलेट कलर के होते हैं, बैगनी रंग के होते हैं. क्यों बैगनी रंग होता है, क्योंकि इनमें इनके स्केल्स के कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में एक एंथोसायनिन नामक वर्णक पाया जाता है. एंड सो द स्केल्स आर वायलेट इन कलर. तो स्केल्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्केल्स इन मार्केशिया आर ऑफ टू टाइप्स, ये देख रहे हो ठीक है. अपेंडिकुलेट स्केल्स डी डायग्राम में देखो, अपेंडिकुलेट स्केल्स एंड
ई डायग्राम में देखो लिग्युलेट स्केल्स, तो अपेंडिकुलेट स्केल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एपिकल सबरोटेंट अपेंडिक्स, मतलब ये देख रहे हो अपेंडिकुलेट स्केल्स हैव एन अपेंडिक्स, ठीक है, एंड दीज अपेंडिकुलेट स्केल्स फॉर्म द इनर रो ऑफ स्केल्स क्लोज टू द मिडरिब। अब लिग्युलेट स्केल्स की बात करते हैं, तो लिग्युलेट स्केल्स आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अपेंडिकुलेट स्केल्स एंड दे डू नॉट हैव एनी अपेंडिक्स। इन लिग्युलेट स्केल्स में कोई अपेंडिक्स नहीं पाई जाती एंड दे फॉर्म द आउटर और मार्जिनल रो। तो ये हो गई अब स्केल्स का फंक्शन बताई दिया। ये जो शल्क है वृद्धि बिंदु को शुष्कन व क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कोशिका दाब के कारण ये स्केल्स जल संग्रहित करते हैं। अब बताओ बेटा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, फिर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को भी फर्स्ट ईयर वालों को कोई भी दिक्कत है तो बेटा पूछ लो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो अब पूछ सकते हो फर्स्ट ईयर वाले। 8:33 हुए हैं, अब पूछो बेटा कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को, नहीं तो अपन क्या करेंगे मार्केशिया की आंतरिक संरचना लेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केशिया थैलस। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पे भी मार्केशिया में समझ में नहीं आया तो आप अब क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब बताओ बेटा मार्केशिया में कहीं पे भी समझ में नहीं आया हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। नो मैम आ गया ना, ठीक है बेटा अब अपन बात करते हैं। हाँ बेटा बोलो मैम, इसमें डिफरेंस क्या है रिक्सिया और मार्केशिया में? बेटा रिक्सिया और मार्केशिया में अभी एक तो देखो इसमें जो होता है रिक्सिया में मार्केशिया में एसेस तो मैं बताऊं, जैसे मार्केशिया में एंथ्रीडियो 4 मिलता है अपन को, बीजाणु मतलब पुंधानी धानी धन भी मिलता है और क्या होता है आर्किगोनियोफोर भी मिलता है, लेकिन उसमें मतलब रिक्सिया में अपन को आर्किगोनियोफोर भी नहीं मिलता और एंथ्रीडियोफोर भी नहीं मिलता। मतलब एंथ्रीडियोफोर बियर्स द मेल सेक्स ऑर्गन्स इन मार्केशिया एंड आर्किगोनियोफोर बियर्स द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन मार्केशिया, लेकिन रिक्सिया में ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती। मतलब अपन ने देखा था मतलब उसमें भी आर्किगोनिया होते हैं एंथ्रीडिया होते हैं लेकिन उसमें ये शाखाएं गेमेटोफोर नहीं पाई जाती, मतलब युग्मकधर नहीं पाई जाते। और इसमें भी जो राइजॉइड्स हैं अपन ने जो राइजॉइड्स हैं दो तरह के हैं, इसमें मार्केशिया में जो अपन ने पढ़ लिए ठीक है, और मार्केशिया में ये क्या है रिक्सिया में आपने बोला दो प्रकार के ही राइजॉइड्स हैं, एक तो चिकनी भित्ति युक्त है एक ट्यूबरक्यूलेटेड है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी क्या है ट्यूबरक्यूलेटेड है। लेकिन दूसरा डिफरेंस मैं बताऊं आपको स्केल्स क्या होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। रिक्सिया में अपन ने देखा था स्केल्स बहुकोशिक होते हैं, लेकिन मार्केशिया में दो तरह के स्केल्स होते हैं, दो तरह के शल्क होते हैं। कौन कौन से हैं? अपेंडिकुलेट उपांगिका युक्त व सरल अथवा जीविकाकार। मतलब स्केल्स इन रिक्सिया आर ऑफ ओनली वन टाइप, whereas इन मार्केशिया द स्केल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मार्केशिया में स्केल्स दो प्रकार के होते हैं अपेंडिकुलेट एंड सिंपल और लिग्युलेट, ठीक है। एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये आ गया। तीसरा डिफरेंस अभी आएगा कि रिक्सिया के थैलस में बेटा जेमा कप्स नहीं पाए जाते, जेमा धानियां नहीं पाई जाती और ना ही जेमा विकसित होते हैं रिक्सिया के थैलस में, लेकिन जब अपन मार्केशिया के थैलस